रे रामू काका, हाथ धुलवाए बिना कहाँ जा रहे हैं? घर से धो के आया था। हाँ, फिर भी पूजा के पानी से धुलवाना तो पड़ेंगे। अरे आप कुछ कह रहे थे, वो कोई बात जो सामने दिखती नहीं, क्या क्या थी वो बात? यही कि ये पूरी चुराने के लिए चले गए थे। गरम तेल में अपना हाथ डाल दिया और उस वजह से इनका हाथ जल गया। बस वही छिपाते हुए भाग रहे थे। मैंने कब पूरी चुराई? ये देखिए। आयो, मैं पूरी नहीं चुराया जी, मैं तो बस पूछ रहा था। माफ करना देवू जी। कोई बात नहीं रामू काका, लेकिन देख लिया ना चोरी करने का अंजाम क्या होता है जी। जी, इसलिए अगली बार जो भी चाहिए होगा मांग लीजिएगा। हाँ, अब हाथ आगे कीजिए। शुक्रिया। अरे लेकिन मैंने पूरी चुराई कब? तो मैंने भी कौन सा तुम्हारा हाथ बंद किया? कम ऑन बिगिंस अ ग्रो अप, बुराई का नेक्स्ट रावण हूं मैं। दर्द भी मैं देता हूं, उसे ठीक भी मैं करता हूं। कहा था ना मैंने तुम्हें बिगिंस रावण हूं मैं। आप पानी हवा सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। जब वो जल हमारे हाथों को छू ही नहीं सका तो उनका मैजिक काम कैसे करता? वाह रे वाह। वो देखो, वो रही हमारी शिकार सुतली। इस टाइम ब्रिगेंडा कि हम हमारे लास्ट बलून में सूखी की सोल भरे। ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है विपान, तुम कैसे लोगे इन बलून्स को? दीदी डेंजरस काम है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पर इस बार मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। फिकर नॉट दीदी, आप बस इतना सोचिए कि अब मॉरिशस में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करें। ओके तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है बिरबा। मैं ठीक हूँ बम्बालश्री, लेकिन बम्बालश्री अगर छोटे बालवीर ने बच्चों की सोल वाली बलून ले ली तो ये ठीक नहीं होगा। विवान, अगर आज हम यहाँ मर गए ना तो तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम, मतलब हमारी मॉम मुझे मार डालेंगी कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ। व्हाट दीदी, जस्ट चिल। और इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। क्या लीजिए दीदी, हो जाइए लाइव एक्शन के लिए रेडी। ये गन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि आप लाइव एक्शन वाला वीडियो गेम खेल सको इन क्रिएटर्स के साथ और इनका ध्यान मुझसे हटा सको। मतलब तुमसे ध्यान हटा के मैं अपनी उम्र ध्यान ले लूं? नहीं। वाओ दीदी, यू आर सो स्मार्ट। और जब भी आपके साथ बिजी हो जाएंगे ना, मैं जाकर उन बलून को निकालूंगा, राइट? लेकिन विवान, मैं ये गन कैसे चलाऊंगी? दीदी आप बालवीर की बहन और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कम ऑन दीदी, यू कैन डू इट। ओ हेलो विवान, तुमने मुझे ये टॉय का दे दिया क्या? इससे तो उनको खरोच भी नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे विवान? फिकर नॉट दीदी, हम दोनों मिलकर वार करते हैं।
हूँ बम्बालश्री, कहीं ऐसा ना हो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। सब्र बिरबा, सब्र। अब मुझे उन बलून्स तक पहुंचना है। अब समझ में आया बिरबा कि मैं वहां क्यों नहीं जा रहा था। अब एक बालवीर इस जादुई वेल के पेट में, और जो दूसरा बालवीर है उसे 10वां सर मिलने के बाद रेस सबसे पहले खत्म करेगा। नौ कन्याओं का पूजन संपन्न हुआ, अब इन्हें भोजन कराइए। देवू, विवान कहाँ रह गया? तुमने कहा था कपड़े खरीदने गया है। हाँ, वो विमान कपड़े लेने गया है। मैंने आपको बोला था वो थोड़ा कपड़े लेने में ग्रीडी है ना, इसलिए उसे टाइम लगेगा। आप भोजन करवाइए ना, विमान आ जाएगा। हाँ, आप सब कन्याएं मेरे घर आ जाइए, नौ कन्याओं का भोजन और प्रसाद वहीं मिलेगा। आइए। ये सही टाइम है, सोचिए तुम्हारी ब्लैक सर्कल वाली पूरी खिलाने का। और उसकी पूरी खाती पूरी हो जाएगी तुम्हारी रावण बनने की इच्छा। धोनी परे, कन्या पूजा के साथ साथ 90% परम धनुष भी वीरलोक में तैयार हो चुका है। बस एक ही दिन बचा है किसी विघ्न के बिना नव दुर्गा पूजा पूरी होने में। कल विजयादशमी के दिन परम धनुष की मदद से बुराई के रावण का अग्नि दहन करूंगा मैं। धोनी परे, अब तक तो शिंकाई के दुश्मन ने कोई चाल नहीं चली है, और ना ही वीर जल से हमें किसी दुश्मन के बारे में पता चल पाया है। मुझे लगता है बालवीर कि तुम्हें अपना प्लान भी शुरू कर देना चाहिए। हाँ धोनी, इसलिए अब आप सुतली का रूप लेकर कन्या पूजन के भूतल में जाएंगे, और अगर वहां पर शिंकाई के दुश्मनों ने आपकी आत्मा छीनने की कोशिश की तो वो खुद अपनी मौत को बुलावा देंगे। दीदी, लेकिन विवान हम ये कहां गए? विवान, मुझे तो लग रहा है हम हेवन में नहीं हेल में आ गए हैं। देखो ना कितना अंधेरा है यहाँ पे, और यहाँ का पानी ये कितना स्लाइमी है। दीदी, हम ना ही हेवन में और ना ही हेल में, बल्कि हम बेल आंटी के पेट पे हैं। वो इसका मतलब बेल हमें खा गई है। दीदी, दीदी संभालिए। आराम से। प्लीज विवान, कुछ सोचो, ऐसे बाहर कैसे निकलेंगे? दीदी, मैं वही सोच रहा हूँ। तो जल्दी सोचो ना विवान। इतना सारा काम और सिर्फ आप लोग कर रहे हैं? संभल के, गरम है। आई मीन, सिर्फ लेडीज काम करे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। So, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कन्याओं को सर्व करने में? हाँ, बोलो। नहीं सुनो, सर्व करना नहीं, प्रसाद देने में, ऐसा बोलो। ओह, ओके। करुणा जी, इन्हें प्रसाद देने देते हैं, तब तक हम गिफ्ट्स लेकर आते हैं जो कन्याओं को देने हैं। अरे हाँ, वो भी तो काम है ना। हाँ ठीक है, लो जी, दे दो। ये लो। यहाँ से पकड़ो। कर लोगे ना? हाँ हाँ, कर लोगे। संभल के। हाँ क्या रे तुम्हें, अब तुम्हारी वजह से सारा काम हमें करना पड़ेगा। अधूरा काम तो पूरा करना है ब्रिगेंसा, सूत की को मैजिक पूरे खिला के।
बाकी फियांट गर्ल्स का प्रसाद तुम देख लेना। ठीक है। अब ये पूरी देगी मुझे सूतली की सोल और मुझे मिलेगा मेरा 10th हेड। सुदली, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा, दीजिए। यहाँ पर नहीं है वो, विवान के रूम में। चलो मेरे से। दीदी, दीदी जमानी। विवान, प्लीज कुछ करो, तुम अपना मैजिक ट्राई करो ना। गॉड विवान, तुम्हारे मैजिक से तो इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे चक्कर जरूर आ रहे हैं। प्लीज विवान, कुछ करो नहीं, इससे पहले मैं फेंट हो जाऊं। दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद ये कोई मायावी वेल है और इसी की वजह से इस पर मेरे मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देखो। रामू काका, सुतली को अभी तक प्रसाद वाला खाना क्यों नहीं दिया? अब वो मैं सुतली को सबसे लास्ट में सर्व कर रहा था, इसलिए फ्रेश पूरी लेने अंदर गया था। सिर्फ पानी सबको सर्व कर दिया। गुड, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो मैंने सोचा कि घर की लेडीज को थोड़ा आराम दे दो और थोड़ी सोशल सर्विस करने का मन किया। आप क्यों, कुछ गलत किया मैंने? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक किया। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ गुड गुड, अब सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। नाइस। ये सूतली नहीं है, ये कोई परी है। ये मेरी मैजिकल पूरी नहीं खा सकती। सूतली बेटा, प्रसाद खाना शुरू करो। विवान, तुम्हारे मैजिक से तो कुछ नहीं हो रहा। अब तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रो के एक बार इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद हमें थोड़ी सिंपैथी दे दे और मान जाए और हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। ट्राई करूँ मैं। वेल आंटी, दीदी 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 काम लाओ प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, हम अभी भी इतने हेल्पलेस नहीं है। अब मुझे क्या करना है? आई नो, ये मुझे एकदम से ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रही है? ओनो विवान, तुम एकदम से आइनो से ओनो पे कैसे आ गए? क्योंकि ये जलन उस व्हील की स्टमक एसिड से हो रही है। व्हाट? स्टमक एसिड? हाँ, जिससे व्हील अपना खाना बर्न करती है। ओनो, इसका मतलब अब हम व्हील का लॉन्च बनने वाले हैं। विवान, अब मैं चल रहा हूँ। व्हील आंटी, अब असली सुतली को भी खाना दे देता, वरना अब कन्या पूजा अधूरी रह जाएगी। इसकी चाल है, सुतली को अंदर रखा है कमरे में जिसके लिए खाना लेकर जा रहा है। ना मुझे सूतली को उस रूम से बाहर लाना होगा,
और फिर अपने मैजिकल ब्लैक सर्कल वाली पूरी उसके प्लेट में रखना होगा। बट हाउ? माँ की ममता को यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? बालवीर, डबल सूतली बनाकर बहुत स्मार्ट मूव खेला है तुमने, लेकिन अब मैं कैसे फिगर आउट करूं कि इसमें से रियल सूतली कौन सी है जिसकी रियल सोल मैं ले सकूं? मिल गया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। यस। क्या? दीदी, विवान, प्लीज जल्दी कुछ करो, इससे पहले हम बेल का खाना बन जाए। दीदी, जैसे बाकी सब चीजें नेचुरली वेल आंटी के पेट से बाहर निकलती है, वैसे व्हाट डू यू मीन? आई मीन खाना हमारे पेट में जाता है हमारे मुंह से और बाहर निकलता है कहीं और से, वैसे ही हमें भी। नो 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 नो, नहीं विवान, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, प्लीज कुछ और सोचो, हम ये नहीं कर सकते। चीनू दीदी, और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज प्लीज। वन टू थ्री गो। दीदी दीदी संभाली। अब इसकी यूज चाहिए हेड की वीकनेस बनेगी, जब तक ये वेल आंटी हमारी तरफ टर्न करेगी तब तक मैं जाकर उन बलून्स को ले लूंगा। ओके भगवान, हरिया विवान, जल्दी करो। हाँ दीदी, कर रहा हूँ। विवान, हरी अप। हाँ दीदी, हाँ, हैव पेशेंस। विवान, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे वापस इसका खाना नहीं बनना, प्लीज विवान, हरी अप। अनन्या दीदी, सुतनी? यस रे भैया। काय झालं असेल? पानी, करुणाजी पानी। अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और देर की तो माँ की हालत और बिगड़ जाएगी, लगता है अब अपनी जादू शक्तियों से ही माँ को ठीक करना पड़ेगा। थिंक रे थिंक, इसके पहले देखो आ जाए थिंक। एक रियल है, एक रिफ्लेक्शन है।
यस, जो रियल है उसकी शैडो होगी, और जो खुद ही रिफ्लेक्शन है उसकी शैडो तो हो ही नहीं सकती। कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी भेजी, कहा कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब मुझे मिलेगा मेरा 10th हेड। माँ ठीक है ना? ठीक लग रहा है अभी। माँ लेकिन हुआ क्या था आपको? लगता है अचानक गले में फ्रूट अटक गया, पर इतने छोटे छोटे पीस तो है। हाँ। फिर अटका कैसे? होता है करुणा जी, ऐसा होता है कभी कभी। कहीं मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शिंकाई के दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं मुझे यहाँ माँ को ठीक करने में भटका कर उस ली को। सुनली होश में आओ, सुनली। थैंक गॉड विवाना आज हम बच गए, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गॉड नो नो नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी, अंत भला तू सब भला, और देखे हमें सारे बलून भी मिल गए। अब मुझे कुछ भी करके अनन्या दीदी को यहाँ से वापस भारत लेकर भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। सुनो बालवीर, आज तुम्हारा दी एंड पक्का। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे विवान, एक गड़बड़ हो गई, मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहां आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून्स मिल चुके हैं और अब बस हमें इन बलून्स में से बच्चों के सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान, इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोच को बाहर निकालना है।
को बालवीर। क्या हुआ धोनी परी? चौरी ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? ये कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तब शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है। भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। एंड मैं और देवू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अब तुम्हारे बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर, आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाह है कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो, और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सर है, लेकिन 10 के 10 सर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी में वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा, क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मांगता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे कान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो, तो मेरे पीछे है, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या
कमजोर। क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकत हो या कमजोर, क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तुम मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड, इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है, तो तुम जब यहाँ पर हो वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहाँ पर हूँ। शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूँ। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूँ। मैं जल में हूँ, मैं जल हवा में हूँ, मैं आकाश में हूँ, I am happy कि तुम मेरे ही पीछे आए, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ। दोनों बलवीरों को एक साथ एक समय पर खत्म करूंगा मैं, एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को, एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए लेकिन मैं पूरा बलवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूँ तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं हाथों से खत्म करता हूँ। तो शुरू करें। लेट्स बिगिन। बस नहीं था मैं तुम्हें,
भैया हम इस रावण को ज्यादा देर के लिए फर्ट में रोक के नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है, इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे। बालवी, बारा, कहाँ डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा, क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवी भागो, आज जहां चाहोगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है, लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूँ, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो, नहीं सुनो, मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ। आ, मस्त मस्त। और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ। रुको बहू, तुम इतना फास्ट फॉरवर्ड में तेज तेज क्यों जा रही हो? जरा धीरे खाओ धीरे खाओ। हाँ करुणा जी, आराम से गाइए, जल्दी गाने से जगराता जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको जितना भी फास्ट फॉरवर्ड में भजन गाना हो, मैं तो आराम से डांस करूंगी। अरे पता नहीं पापा जी, मैं तो नॉर्मली गा रही थी, कैसे तेज तेज हो गया मालूम नहीं। धीरे खाओ धीरे खाओ। करुणा जी आप फिर से गाइए, इस बार कानून की तेज नजर आप पर रहेगी। शुरू करो। पद्मिनी जी, ये कोई लामी थोड़ी ना है जो आप फास्ट फास्ट डांस कर रही है, ये फास्ट फास्ट गा रही है, धीरे धीरे कीजिए, कुछ समझ में तो आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तेज गा रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा है मैं तेज क्यों बजा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आएगी, फास्ट क्यों कर रही हूँ। अरे आंटी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे हारमोनियम दीजिए, मैं बजाती हूँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ और मैं प्रॉपर स्पीड पे गाना गाऊंगी। जल्दी हम भी पद्मिनी आंटी से डांस करेंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विमान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया। लुक भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है, हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। Yes, we did it, भैया। अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे और साथ ही साथ हमें खुशी दी
और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म और इंजन बंद। नहीं विवाह, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरी यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं पालगी। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रेप बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर। विवान, मैं अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके धरती लोक पर जाना होगा। अगर हमें आज परम धनुष प्राप्त करना है तो माता की मूर्ति का विसर्जन पूरा हो जाना चाहिए। फिकर नॉट भैया, इस विजयदशमी भी अच्छाई की ही विजय होगी और इस बार भी रावण ही चलेगा। अब होगा धरती का विनाश और शुरुआत होगी भारत नगर से। अम्बे माता की जय! जय माता दी! जय माता दी! जय माता दी! जय माता मुझे यकीन है, इतना दूर से आए हो तो तुम्हारी बैटरी सिर्फ 5% बची होगी। अब मेरा सिर्फ एक बार और तुम दोनों की जिंदगी का हमारी बैटरी सिर्फ अच्छाई से चार्ज होती है, जो चाहे माइनस में क्यों ना हो तब भी, लेकिन हमारी पावर प्लस में रखती है। लेकिन आज यहाँ प्लस होगी मेरी ताकत और तुम्हारी सांसें माइनस। जय माता दी! जय माता दी! अरे बूढ़े बोलो! जय माता दी! 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 हो गया अच्छाई का सूर्यास्त।
और उसके रक्षकों का अंत। बच्चे बोलो, अरे बूढ़े बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस अब कुछ देर और, फिर परम धनुष तैयार। अंत तो तुम्हारा होगा, हमारा तो काम पूरा हुआ। जय माता दी, जय माता दी। अब रावण दहन करने चलते हैं। चलो। अगर काम पूरा हो ही गया है तो तुम्हारे होने की क्या जरूरत है? कर देता हूं तुम्हारी जिंदगी का अंत। उठो बालवीरो, और जिस काली अंधेरी बुराई का अंत करने का तुमने वचन लिया था, उस वचन को पूरा करो। उठो और थामो ये परम धनुष अपने हाथों में। उठो और दहन करो बुराई के इस रावण का। उठो बालवीर, उठो और मिटा दो इस बुराई के अंश को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे से। बुराई कल भी अच्छाई से दो कदम आगे थी और आज भी है। तुम कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो, और इतना ताकतवर हथियार तुम जैसे कमजोरों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। हाँ,
और तुम जो कह दिया, मैं कलयुग का रावण हूं और आज मैं तुम्हारी माता रानी के साथ साथ तुम सबका विसर्जन करूंगा। सिर्फ 10 साल लगाने से कोई रावण नहीं बन जाता। रावण में बुराई थी लेकिन साथ ही साथ न्याय करने के और धर्म निभाने के गुण भी थे। अगर उसमें अहंकार था तो साथ ही साथ अंत समय पर अपनी गलती मानने का साहस भी था। क्या तुम में है वो साहस? बालवीर, मैंने बुराई के स्वरूप के लिए समय की गति को धीमा कर दिया है, पर तुम्हारे लिए समय नियमित गति से ही चल रहा है। इसलिए अब एक भी पल बिना गवाए परम धनुष से वार करो बुराई पर। लेकिन शौर्य, ये परम धनुष तो ये परम धनुष है बालवीर, ये बुराई का अंत कर सकता है, बुराई इसका नहीं। चलने के साथ आपका सपना भी चल के रात हो गया।
बामबाल नींद में नहीं खुली आंखों से सपना देखता है। इस बार नहीं सही, लेकिन अगली बार मेरा सपना जरूर पूरा होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बालवीर। जब तक मैं जिंदा हूं बुराई नहीं हार सकते। मैं वापस आऊंगा बालवीर। पर ये मत भूलना कि हमेशा विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। जय माता दी। परम धनुष, बुराई के खिलाफ लड़ाई में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर लौट जाइए। इस बार की फाइट काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन हम सब ने मिलकर शिंकाई विलन को हराई दिया। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ विवान, अब हमें भारत नगर जाकर सबकी याददाश्त पर बितानी होगी। चलो। काल्पी वहाँ तो ठीक तो? हाँ हम ठीक हैं। बालवीर, विवान, विवान, बालवीर, बालवीर क्या हो गया? बालवीर उठो, विवान आगे खोलो, विवान, बालवीर, बालवीर उठो। शौर्य क्या हो गया बालवीर को? आँख क्यों नहीं खोल रहे? अरे अरे स्वामी, इसके गाड़ी का इंजन तो शिंकाई पहुंचने के पहले ही फेल हो गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्वामी ये तो गया नरक में। ए रे ले, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं पूरा करूंगा तेरा ये सपना, मैं बनूंगा तेरे लिए बुराई का राजा। मैं नहीं, आप बनेंगे। अब इस अमृत जल से ही रे ठीक हो सकता है। है स्वामी, आप रे के अंतिम संस्कार, मेरा मतलब है अंतिम उपचार का मौका मुझे दीजिए। विवान, उठो ना विवान। बालवीर, विवान, तुम ठीक हो ना? बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ,
आंखें बंद थी ब्रिगेंसा, लेकिन मेरे कान खुले थे, सब कुछ सुना मैंने। और रे को मारने की विश करने वाले को सबसे पहले रे मारता है। नहीं नहीं, माफ कर दो स्वामी, मुझे बचाइए, माफ करना रे, माफ करना। नहीं हुआ। मिस्टर बी, मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? योद्धा कितना भी बड़ा हो, जब एक बड़ा युद्ध लड़के आता है तो हार जीत के साथ साथ कुछ घाव भी लेकर आता है। इन दोनों बालवीर के साथ हुए इस महायुद्ध में उनका वो परम धनुष तुम्हारी जान तो नहीं ले पाया, लेकिन तुम्हारी शक्तियां छीन कर तुम्हें एक बड़ा घाव देकर गया है। स्वामी, स्वामी, हमें रे की शक्तियां वापस लानी पड़ेगी। रे, तुम्हारी शक्तियां वापस आने में कम से कम 2 दिन यानी कि 48 घंटे का समय लगेगा। पवित्र जल से दोनों बालवीरों को उनकी शारीरिक शक्तियां तो मिल गई हैं, पर जादुई शक्तियां वापस प्राप्त करने में 2 दिनों का समय लगेगा। शौर्य, हम भारत नगर वाले वासियों की याददाश्त कैसे मिटाएंगे? वो मैंने मिटा दी है बालवीर। और शौर्य, अगर शिंकाई वालों को पता चल गया कि हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। शौर्य, हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए डिफेंसलेस नहीं रह सकते। अगर इसी बीच शिंकाई विलन ने हम पर वृद्धा अटैक कर दिया तो? चिंता मत करो, इसका उपाय है हमारे पास। भानी परी, आप मेरे साथ चलिए। अब वक्त आ गया है उन सारी परियों को बुलाने का जो परितारा में समाहित हो चुकी है। चलिए। लेकिन बालपरी, हम बिना जादुई शक्तियों के वापस घर कैसे जाएंगे? अपना हाथ आगे करिए। ये यंत्र तुम दोनों की मदद करेगा। बालवीर, तुम अपना और विवान का ध्यान रखना। फानी परी, चलिए। फिकर नॉट भैया, हमेशा की तरह इस बार भी हम ये 2 दिन हैंडल कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम्हारी शक्तियां वापस ना जाएं, तुम्हें शिंकाई में ही रहना चाहिए। नो मिस्टर बी, शिंकाई नहीं, भारत नगर। रे कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। उन दोनों बालवीरों ने मुझे हर्ट किया है ना, अब रे रिटर्न में उन्हें डबल हर्ट करेगा, डबल हर्ट। भैया, हमने से स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसे स्टॉप कैसे करना है? अब पता नहीं विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ। भैया जल्दी सोचिए, वरना हम दीवार पे बूस्टर की तरह चिपक जाएंगे। ओ मोंटे भैया, इसको चलाना भी होता है। अरे इसका पैर रखो। हाँ, एक पैर नीचे, अभी ऐसे। विवान, लगता है हम दीवार से नहीं, इन दोनों से टकराने वाले हैं। अरे ये लोग भी दीवार से कम है क्या? मोंडू भैया, वो देखो, ये विवान और दीपू भैया हैंडल पकड़ कर हवा में किसी उड़ रहे हैं। अरे हटो हटो, सामने से हटो। अरे हटो ना मोंडू भैया। अरे चिंटू, तुम उठो ना। ए, तुम दोनों देख क्या रहे हो? हाथ दो ना मोंडू भैया। अरे उठो, हाथ दो। ये जादुई चीज है ना,
इसे ही पकड़ कर तुम दोनों उड़ रहे थे ना। खा गए ना, धोखा खा गए। देखो विवान, ये लोग भी धोखा खा गए। धोखा खा गए। देवो भैया, हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन कभी धोखा नहीं खा सकते। अरे ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो लंदन से स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ यहाँ पे नहीं मिलता ये, है ना विवान? हाँ हाँ कुछ। अरे पूरी दुनिया मार्स पे पहुंच गई है और तुम लोग कभी भी एक सेंचुरी पुराना स्केट बोर्ड यूज कर रहे हो। चलो विवान चलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो चिंटू, भारत दगल में मेरे मुंह में लड्डू जाने से पहले कोई एक लड्डू नहीं खा सकता, और इन दोनों ने उड़ने वाला स्किट लिया, वो भी हमसे पहले। वैसे मोंटू भैया, आपको लड्डू देने से पहले एक दो लड्डू मैं खा ही जाता हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमें भी उनके जैसा उड़ने वाला स्केटर लेना होगा। लेना होगा नहीं चिंटू, उनका ही लेंगे। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को आवाज देने ही वाली थी। देखो क्या क्या बनाया है मैंने, मटर पनीर और कढ़ी। चल 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 चल, ला विवान, बोला बोलो। नहीं सुनो, मैंने सिर्फ खाना दिखाया है, खाने को नहीं खाया। लेकिन माँ इसमें कहने की कौन सी बात है, खाना तो खाने के लिए ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे कान खींचने के लिए होते हैं। अब खाना तुम दोनों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम दोनों मुझे ये नहीं बताओगे कि पिछले 24 घंटों से तुम दोनों कहाँ थे। पूरे विसर्जन में नहीं दिखे हो तुम दोनों। फंस गए भैया, अब माँ को क्या बोले। फंस गए विवान, अब माँ को क्या बोले। मैजिक के साथ टेलीपैथी का कनेक्शन भी कट हो गया हमारा। लगता है जादू शक्तियों के जाने से हमारे अंतर्मन से बात करने की शक्ति भी चली गई। क्या एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हाँ चलो अब डिटेल में मुझे बताओ कि कहाँ गए थे। भैया शानी ने माँ की ये वाली बात की याद है, क्यों नहीं मिटाए। फंस गए ना। हेलो हो गई खुसर पुसर, अब जवाब दो, बोलो। कुछ नहीं माँ, वो विवान, विवान बताएगा आपको, बता विवान। मैं क्या बताऊं। अरे बता ना, अभी जो खुसर पुसर की वही बता। भैया अभी जो खुसर पुसर आपने सुनी है आप वो बता दीजिए। नहीं विवान, तुम बताओ ना पहले। अरे नहीं भैया, बड़े हो ना, और बड़े की बात तो हमेशा सच होती है ना माँ, है ना। नहीं विवान तू बता। नहीं भैया, पहले आप विवान, पहले तुम बताओ ना, बताओ भैया पहले आप। अरे बोलो, नहीं सुनो, ये क्या पहले आप पहले तुम लगा रखा है। तुम दोनों को मेरी कसम है, सच सच बताओ कहाँ थे। अब अरे विवान, माँ ने तो कसम दे दी, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। माँ वो एक्चुअली हम रावण दहन करने गए थे। क्या सही कह रही है। वो भारत नगर के साथ साथ कॉलेज में भी विजयदशमी सेलिब्रेट हो रही थी, और वहीं इन्होंने रावण का दहन भी किया। राइट डेबू? हाँ राइट राइट, रे सही कह रहा है मैं। अच्छा तो पहले बताना था ना, खामखा इतनी देर भूखा रहना पड़ा। चलो जल्दी से खाना खा लो, और रे तुम भी आओ ना खाना खाने के लिए। ऑफ कोर्स आंटी, इतनी तारीफ सुनी आपके हाथ के टेस्टी खाने की, तो फिर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आओ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आओ बैठो ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तब तक खुशी को बुलाकर लेकर आती हूँ।
तो क्या कर रहे थे तुम? मेरा इंतजार कर रहे थे। वैसे कहते हैं कि मेरी कहीं भी पहुंचने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है। वैसे रे, हर जगह तुम ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान मदद करने पहुंच जाते हो, या फिर आज कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो तुम और विवान हो। यहाँ भारत नगर में लोगों की कितनी हेल्प करते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें आंटी की डर से बचाकर तुम्हारी हेल्प कर दूं। वाह, नाइस ऑफ़ यू। खुशी हुई जानकर कि तुम दूसरों की हेल्प भी करते हो। और जो मेरी हेल्प करते हैं मैं उन्हें थैंक यू भी बोलता हूँ। वैसे गए कहाँ थे तुम दोनों जो आंटी से छुपाना पड़ा? क्या गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? नहीं, हम रावण दहन ही करने गए थे, लेकिन गोकुल नगर। आई बिलीव दैट कि अपने दोस्तों से चाहे थोड़ा दूर रहो, लेकिन अपने दुश्मनों से हमेशा क्लोज रहो। सही मानना है तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे हमारे दोस्त बन के आए हो या फिर दुश्मन? ऑफ कोर्स दोस्त बन के आया हूँ। अरे, आज ये भैया भी आए हमारे साथ लंच करने? वॉश बेसिन किधर है? उधर। थैंक यू। कमॉन बालवीर्स, दिखाओ अपना मैजिक और करो सेव अपनी सिस्टर को। खुशी? दीदी, खुशी क्या हुआ? खुशी क्या हुआ? ये तो कंफर्म हो गया कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं है। हाँ? वो गिर गई खुशी। कैसे गिर गई तू? मम्मी, पानी पे मेरा पैर फिसल गया। खुशी, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना? नहीं। विकेट नॉट माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है। और देखना, अभी थोड़ी देर में मेरे पीछे भागने लगेगी। अच्छा, आजा, ठीक है, आराम से। आजा, आजा, आराम से दीदी, आराम से। Awesome, मिस्टर बी। मुझे डाउट तो था ही, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। रेल से टिकट काट के आए हो क्या? जो वेटिंग से कंफर्म हो गई है। टिकट तो अपन दोनों बालवीर की कटेगी। Because the good news is, जिस तरह से मेरी मैजिकल पावर्स जा चुकी है, ठीक उसी तरह उन दोनों बालवीर्स की भी मैजिकल पावर्स छिन चुकी है। तुम्हारे पास भी तो जादुई शक्तियां नहीं है, फिर करने से क्या होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं, आप बोलेंगे स्वामी। मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ? We have Lady Birba, the most amazing inventor. Birba नाम है मेरा। बिगड़ी बनाना काम है मेरा। सही कहा तुमने। बालवीर के पास भी शक्तियां ना होने से तुम्हारी और उनकी ताकत एक बराबर है, लेकिन ऐसे में हमारे पास बिरबा है, जो एडवांटेज मेरे पास है। और इस बार विनिंग पोजीशन पे भी हम है मिस्टर बी। लेडी बिरबा, इस बार हमारी विनिंग के लिए कोई ऐसा डिवाइस बनाई है, अगले 24 घंटे उन दोनों पावरलेस बालवीर और भारत नगर के लिए आखिरी 24 घंटे बन जाए। अरे दीदी, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? विवान, ये बाम है दीदी। क्यों? अब आपके लिए।
इतनी भारी बोरी उठाने के बाद आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। वाह, हम तो फ्यूचर भी देख सकते हो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, लेकिन प्रेजेंट जरूर देख सकता हूँ। अभी जो आपके पति ने छूट रहे हैं ना, उसे देख के सब पता चल रहा है कि आपके घर पहुंचते पहुंचते तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे ये बाम खुशी दीदी के लिए। विवान, क्या हो तुम? स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, लेफ्ट प्रोफाइल से सलमान हूँ, तो राइट प्रोफाइल से थोड़ा क्यूट भी हूँ। बिल्कुल ही पत्थर दिल हो तुम। मैजिक से नहीं ठीक कर सकते थे खुशी को? अरे दीदी, आप क्यों दुखते रख पे अपना पैर रख रहे? मैंने कब पैर रखा? अरे दीदी, आपको नहीं पता है? मुझे सब पता है। एक बहन के तो काम आ नहीं पाए, दूसरी के तो आ जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बोरी मेरे घर तक रखवाने में मेरी हेल्प कर दो। अच्छा, मतलब सिर्फ ये बोरी आपके घर तक पहुँचानी ना? ठीक है, ये लीजिए, ये पकड़िए और दीजिए। अरे 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 अरे, वाह अनन्या, वाह। थैंक यू अंकल। अरे डांट रहा हूँ, शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, बच्चे से बोरी उठवा रही हो, वेरी बैड। अब मैंने तो कहा ही था इससे कि मैजिक से कर दे। मैजिक से उठा ले मतलब? ये कोई सुपर हीरो थोड़े ही है, ये तो मामूली सा बच्चा ही। मामूली मामूली, अगर मैजिक होता तो। होता तो है तो नहीं ने? वही दो, वही तो मैं अनन्या दीदी को समझाना चाहता हूँ, पर कैसे समझाऊं? रे वादे, मैं हूँ ने, मैं मदद कर देता हूँ। खाम खाम में बुरा बना दिया तुमने मुझे, ये लो ना बाप। अरे दीदी, मुझे कौन सी 5-स्टार रेटिंग मिली है छेड़ा अंकल से? लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अरे वाह, बिना मैजिक के विमान भी तुम्हारी तरह हीरो नहीं, बड़ा सा जीरो है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। हेलो, आरके केमिकल्स, मेरा एक ऑर्डर है, लिख लीजिए। भैया, आप ये स्टिक के साथ क्या कर रहे हो? अरे चिड़िया उड़ा रहा हूँ। चिड़िया? चिड़िया क्यों? विवान, सॉरी विवान, सॉरी। भैया, अरे विवान, वो माँ ने कपड़े सुखाए थे बाहर, उसमें से शॉल ये झाड़ पे आके अटक गई, वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, मैजिक के बिना तो एक दिन ऐसा लग रहा है जैसे बिना इंटरनेट का स्मार्टफोन। अब खुशी दीदी को भी बाम लगाना पड़ रहा है और अनन्या दीदी भी मुंह फुला के बैठी है। अब समझ में आया ना कि असली सुपर हीरो आम आदमी होता है, जैसे हमारी माँ, बिना किसी शिकायत के चेहरे पर मुस्कान के साथ हर छोटा बड़ा काम कर लेती है, शक्तियाँ ना होते हुए भी। समझ गया भैया, लेकिन आप आपकी ये छोटी सी लकड़ी तो माँ के शॉल तक पहुंचेगी नहीं, सो मैं अपनी ओल्ड ट्रिक यूज करूंगा विदाउट मैजिक। ओल्ड ट्रिक मतलब? भैया, मैं मैजिक ही करूंगा लेकिन विवान स्टाइल में। अरे अरे विवान, आराम से, किसी को लग ना जाए। भैया फिकर नॉट, जस्ट चल। अरे किसने कांच तोड़ा? भैया, मेरी ओल्ड ट्रिक की वजह से तो न्यू प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब इससे बचने के लिए मेरी दूसरी ओल्ड ट्रिक यूज करते हैं। दूसरी ट्रिक मतलब? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सामने आती हुई दिखे, भागिए और छुपिए भैया। अरे विमान पर भैया, छुपिए छुपिए छुपिए। अरे किसने कांच तोड़ा? कौन है, कहाँ है? भैया आप भाग क्यों रहे हो? अब हम माँ की शॉल कैसे निकालेंगे? अरे विवान चिल, ये प्रॉब्लम एक है और हम दो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भी दो से एक होना पड़ेगा। मतलब? आ रह गया डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय कुछ मंगवाए? अरे छोले भटूरे, जलेबी फाफड़ा, मंगा मंगा, बड़ी भूख लगी है। मुझे तो सिर्फ बालवीर और उसको प्यार करने वालों को खत्म करने की भूख है। ले,
बोलते हो कि विभाग के आविष्कार से कुछ बनाओगे और दूसरी तरफ पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। अरे ऑर्डर क्या किया है? मैंने एक स्पेशल केमिकल मंगवाया है जो मैं विभाग के इन्वेंशन के साथ मिलाकर लैंडमाइंस बनाऊंगा। लैंडमाइंस? लैंडमाइन होता क्या है? सब बताता हूँ। दिस इज माइन, मेरा ही। आप कौन? वही जिसने ऑर्डर किया। आपका नाम करुणा है? तुमने बताया नहीं, तुमने अपना नाम बदल लिया। वो भी लेडीज वाला। क्या बकवास कर रहे हो? देखो इसमें मेरा नाम लिखा होगा। अरे सर, इस पार्सल पे ऑर्डर करने वाले का नाम करुणा जी लिखा है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ए, क्या चेक कर रहा था? तुम्हें क्या ये बेवकूफ लगता है? ये बेवकूफ नहीं है। इन्होंने बोला ना, ये यहाँ पे कोई करुणा जी नहीं रहती है। चलो निकलो यहाँ से। बात कर दे तुमने। करुणा करुणा करुणा। ए, क्या? हाँ, चलो एक बुरा काम तो कर लिया मैंने। पालियों का सामान वापस भेज दिया मैंने। निकला? हाँ बस ऑलमोस्ट निकल रहा है। हाँ निकल गया। ये हुई ना बात। ये बात। देखा विमान, हमारे पास मैजिक हो या ना, फिर प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम दोनों साथ होंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब मेन बात कर ले। क्या? शिंकाई के दुश्मनों को नहीं पता कि हमारे पास कल तक जादू शक्तियां नहीं है। कहीं इस बात का फायदा उठाकर वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश ना करे। भैया तो हमें और भी अलर्ट रहना चाहिए और उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। राइट विमान, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंतजाम कर लिया है मैंने। अयो, तुम फिर से आ गया? मैंने कहा यहाँ कोई करुणा जी नहीं रहती। करुणा जी? करुणा? अब तो ये हमारा पार्सल है, लाइए दीजिए। लेकिन ये करुणा कौन है? हमारी माँ है, लाइए। लेकिन ये ऑर्डर तो करुण जी के नाम पर नहीं है, लाइए वापस दीजिए। अरे तो, अरे पान वाला तो बोल रहा था करुणा जी यहीं रहती है। ओ, तो वो पार्सल हमारा है। ये रेखा पार्सल है। ओ, और मेरा पार्सल उधर है। बार बार मुझसे टकराते क्यों? तुम्हें अपने बराबर का समझता हूं, इसलिए। लेकिन तुम्हारा मुझसे टकराना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा ये जो पार्सल है वो टूट सकता था, उसे नुकसान पहुंच सकता था। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि तुम दोबारा मुझसे कभी नहीं टकराओ। बेटर। अब इस बॉक्स में मुझे लैंडमाइन बनाने का पूरा केमिकल मिल जाएगा। ये तो कोई बटन लग रहा है। ये तो करुणा जी का पार्सल है। पार्सल एक्सचेंज हो गया प्रिगेंसा, इसका मतलब हमारा पार्सल बालवीर के पास पहुंच गया। अरे लेकिन करुणा जी को बटन्स की क्या जरूरत पड़ गई? क्या फर्क पड़ता है करुणा जी इन बटन्स का कुछ भी करे, लेकिन इससे पहले कि बालवीर मेरा पार्सल खोले उसे वापस लेकर आना होगा। पार्सल पे नाम माँ का है लेकिन है हमारे लिए। लेकिन भैया आपने अपना नाम क्यों नहीं यूज किया? तो
क्योंकि अगर मैं अपना नाम यूज करता तो हमारे दुश्मनों को पता चल जाता कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। ओ, लेकिन भैया आपने मंगवाया क्या है? स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा? मैंने बताया था ना कि शिंकाई के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने नॉर्मल कैमराज नहीं मंगाए, वरना किसी को भी शक हो सकता था। रुको, वो एक्चुअली हमारे पार्सल एक्सचेंज हो गए। तुम्हारा पार्सल ये रहा मेरे पास। भैया आपने स्पाई कैम्स तो बिल्कुल सीक्रेटली मंगवाए थे, लेकिन अगर इनको ने वो बटन्स और बटन्स के अंदर के स्पाई कैम्स को देख लिया होगा तो ये दोनों खुसुर-फुसुर क्या कर रहे हैं? कहीं इन दोनों ने पॉस के अंदर के केमिकल को देख तो नहीं लिया? अयो, हमने तो खोल कर भी नहीं देखा कि इसके अंदर बटन है। हाँ, तो हमने भी कहाँ देखा है कि इसके अंदर कोई पाउडर है? नहीं देखा, नहीं देखा। मेरे बॉक्स में तो सिर्फ एक मामूली वॉल पेंट का पाउडर है बस। हाँ। अब तो हमारे बॉक्स में भी मामूली बटन ही है। वो क्या है ना कि घर में पेंट कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए। वो माँ भी सिलाई का नया नया काम सीख रही है तो इसलिए बटन्स मंगाए थे। I'm sorry, मेरी वजह से ये सब। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, समझ गए, इन्हें शक नहीं हुआ। बच गए, अच्छा हुआ इन्हें शक नहीं हुआ कि ये बटन नहीं स्पाई कैमरा था। यस, अब हम इन कैमरास को पूरे भारत नगर में लगाएंगे। लेकिन भैया, अगर हम दिन में शर्ट की जगह पे भारत नगर की वॉल पे ये बटन ये स्पाई कैमरास लगाएंगे तो लोगों को हम पे शक नहीं होगा। इसलिए तो हम ये काम रात में करेंगे। बिना मैजिक के कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है आज पता चला। ये कैमरा लगाते लगाते तो मॉर्निंग वॉक का टाइम हो जाएगा। तुम मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हाँ, कभी कभी ड्रीम्स में कर लेता हूँ। लेकिन विवान, ये कोई ड्रीम नहीं, ये हकीकत है कि हमारे पास शक्तियाँ नहीं है। तो अभी जो काम दिया गया है वो ठीक से करो। ये लो। इन मैजिकल मार्बल से पूरे भारत नगर को एक धमाके में उड़ाना काम है मेरा। लेकिन क्या छोटे छोटे मार्बल्स कोई बड़ा धमाका कर पाएंगे? सब्र रे सब्र, देखन में छोटा लागे पर घाव करे गंभीर, है ना बिरबा? हाँ, क्योंकि ये एक नहीं, इनके जैसे कई सारे मैजिकल मार्बल्स हम एक बारूदी सुरंग की तरह पूरे भारत नगर में बिछा देंगे और फिर जैसे ही कोई इन पे कदम रखेगा ये एक्टिवेट हो जाएंगे और अगला कदम रखते ही होगा एक धमाका। बूम! ऑसम लेडी बीरपा, ऑसम आइडिया, एंड लेट्स गो। चलकर भारत नगर के कोने कोने में लैंडमाइंस बिछाते हैं, फिर वहां कोई नहीं बचेगा। विवान, विवान उस एंगल में ऑलरेडी लग चुका है। सॉरी भैया, सॉरी।
जाओगे तो तुम नहीं रहे। भारत नगर में दोनों बालवीर ने बटन चिपकाए, ये देखिए। स्वामी मुझे लगता है ये कोई बारूद की सुरंग है। हाँ, ये देखिए। जासूसी कैमरा। तो हो गया सत्यानाश तुम्हारा, मतलब तुम्हारे प्लान का। अब तुम जो भी करने जा रहे हो वो सब ये जासूसी कैमरे से देख लेंगे वो दोनों बालवीर। चलो जल्दी से जाकर ये सारे बटन तोड़ देते हैं। कोई छेड़खानी नहीं होगी इन बटन्स के साथ। ब्रिगेंडा। लेकिन क्यों रे? क्योंकि हम उन्हें अलर्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें चैन से आराम की नींद सोने दीजिए, ये सोचकर कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेडी बीरबा, क्या हम इस तरह से लैंडमाइंस बिछा सकते हैं कि सब कुछ उनके सामने हो लेकिन उन्हें पता भी ना चले? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मगर कैसे? वो बालवीर है बालवीर, दूर से ही खतरे को सूंघ लेते हैं। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। इस बार खतरा सामने होगा फिर भी नहीं सूंघ पाएंगे वो। ग्रेट आइडिया लेडी बीरबा, अब आएगा मजा। ये मॉस्किटोस कैमरास के आगे से ही जाएंगे और दोनों बालवीर के सामने ही जमीन के नीचे जाएंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मॉस्किटोस जमीन के अंदर जाकर लैंडमाइंस की तरह बिछ रहे हैं। वाओ! इस बार दोनों बालवीरों को भनक भी नहीं लगेगी कि बुराई का कितना भयानक जाल बिछाने वाले हैं हम। भैया बटन कैम इंस्टॉल सक्सेसफुली। हाँ विवा, अब हम इसकी मदद से पूरे भारत नगर में एक साथ देख पाएंगे। देखिए देखिए। कैमरा 7 का फुटेज कहाँ है? भैया कैमरा 6 के बाद हो गए ना, देखे। विवान नहीं है। ये देखो, ये कैमरा 6 का फुटेज, अरे कैमरा 7 का फुटेज नहीं है। भैया मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक कैमरा अपने हाथों से यहाँ पर लगाया था लेकिन वो अचानक कहाँ चला गया? हाँ विवान, मैंने भी यहाँ पे कैमरा देखा था लेकिन वो गया कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है विवान। भैया यहाँ पे हमारा एक कैमरा गायब हो गया और आपको इसी भी ददीमन के डायलॉग छूट रहा। विवान सॉरी सॉरी, यू आर राइट, हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब लेट्स सी कि कोई हमारा कैमरा निकाल तो नहीं रहा। देखिए भारत नगर में एक साथ इतने सारे मच्छर कहां से आ गए?
कहीं बालवीर देख ना ले कि ये मच्छर असली मच्छर नहीं है बल्कि बॉम्ब्स हैं बारूदी सुरंग बिछाने के लिए। भैया हमारे अंडर। ए रुको। यस। वाह चिंटू अब वो मैजिकल स्केटबोर्ड उन चंगू मंगू के पास नहीं हमारे पास भी है। हाँ चल इसको चला के देखते। हाँ भैया हमेशा हमारे साथ ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम दोनों स्टूपिड हो। ये सिर्फ हमारे ही फिंगरप्रिंट से चलता है। लेकिन तुम लोगों ने अपना हाथ लगा दिया, तो फिर इसे लगा कि तुम दोनों चोर हो और चोरी की पनिशमेंट दे दी। तो अब तुम दोनों इससे क्या सीखे? नेक्स्ट टाइम अगर हमको कुछ लेकर भागना है ना तो वो हमारी फिंगरप्रिंट से चार्ट होना चाहिए। अरे नहीं, इससे तुम दोनों ये सीखे कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए वरना उसका अंजाम बुरा होता है। अरे मैं कैसे हाथ दूं मंटू भैया? आ जाओ मंटू भैया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, भारत नगर में इतने सारे मच्छर एक साथ आए थे फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे भैया वो बल्ब की रोशनी से आए होंगे, नॉर्मल मच्छर ही होंगे। अभी चलिए ना सो जाते हैं, अगर आपको चाहिए ना दो मच्छर मारने वाला धुआं मरवा लेंगे यहाँ पे। नहीं विवान, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है और जब तक ये मच्छर वाली मिस्ट्री में सॉल्व नहीं कर लेता मैं सो नहीं सकता। तुम जाओ। भैया आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कह रहा हूँ ना भैया, शेंका एविलेंज को बहुत बुरी तरह से हराया है हमने और उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है जो इतनी जल्दी वापस मार खाने आए। चलिए भैया सो जाते हैं। चलिए भैया चलिए। भगवान भैया चलिए। सी मिस्टर बी, ये मॉस्किटोज बॉम्ब में कन्वर्ट होते ही पूरे भारत नगर में माइंस की तरह पिच गए हैं। फिर बच्चे बूढ़े या फिर दोनों बालवीर जो भी इन पर कदम रखेगा वो इस माइन के साथ ओ। पूरी रात का फुटेज चेक कर लिया फिर भी कोई खतरा नजर क्यों नहीं आ रहा? भैया अब तो मान लीजिए कि मैं स्मार्ट हूँ। मैंने कहा था ना शिंका एविलेंस हमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। नहीं विवा, हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ गलत है, हमें प्रैक्टिकली जाकर चेक करना होगा। चलो ये देख ये स्केटर मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। भैया ये ब्लास्ट कैसे हुआ? ये ब्लास्ट कैसे हो गया? ये इतने सारे ब्लैक सर्कल्स
मेरा सेवन का फुटेज कहाँ है? भारत नगर में एक साथ इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? ये लैंडमाइंस है क्या? रुक जाइए, सब लोग जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। अरे लेकिन हुआ क्या है देबू, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? बच्चों को अंदर घर भेजो। माँ मैं बच्चों को क्या किसी को अंदर नहीं भेज सकता, सब लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा। देखिए जो जहाँ पर भी है वहीं पे रहिएगा, एक कदम भी आगे पीछे मत कीजिएगा प्लीज। क्यों माँ? आपके पैरों के नीचे जो ब्लैक डॉट है वो कोई मामूली ब्लैक सर्कल नहीं है, वो एक्चुअली एक लैंड माइन है। बॉम्ब? जैसे गमले के गिरने से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, वैसे ही आप पैर हटाएंगे तो वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट? ब्लास्ट? मम्मी पापा, अरे क्या कर रहा है यार, यहाँ से पैर उठाएगा ना हम दोनों गुब्बारे के जैसे फट जाएंगे। हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे तो इस हाथ पे 21,000 नीडेड डिटेल और 5,25,000 आवर्स लेफ्ट हैं। क्या इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा हमें यहाँ पे? कोई तो बचाओ, बचाओ, हेल्प। दिवाली आने के पहले दिवाली क्यों मना रहे हम? दिवाली कहाँ हो तुम? अरे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। नहीं नहीं नहीं, पाँव मत हिलाइए, ये कोई मामूली पटाखा नहीं है, ये सच में एक लैंड माइन है। हाँ माँ, और आप सब भी प्लीज इसे सीरियसली लीजिए प्लीज। क्या माँ? देखिए जब तक आपने उस लैंड माइन पे अपना पैर रखा है तब तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे आप सब थोड़ा भी हिलेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। मम्मी बचाओ, बचाओ। अरे बोलो नहीं सुनो, कुछ तो करो देबू। हे भगवान हमारी मदद करो। भैया इस बार बहुत ही डेंजरस गेम खेला है शिंका विलेंस ने, और तो उन्हें हराने के लिए हमारे पास मैजिकल पावर भी नहीं है। भगवान हमने शक्तियां खोई है, हिम्मत नहीं, इस मुसीबत से भी निपटने का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे हम लोग। इतनी बत्ती से क्यों दिखा रहे हो? कहीं दोनों बालवीर इनमें खिड़की ना बना दे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सच बड़ा ही कड़वा होता है, लेकिन उसे जानना उतना ही जरूरी होता है। भारत नगर के सारे लोग लैंडमाइंस पर आ गए हैं, लेकिन बालवीर नहीं, और लैंडमाइंस के बारे में जानने के बाद वो उस पे कभी कदम नहीं रखेंगे। रिलैक्स मिस्टर पे, जब तक भारत नगर के लोगों के पैर माइंस पे हैं, समझ लीजिए दोनों बालवीरों की गर्दन हमारे हाथ में है, और वैसे भी बिना मैजिकल पावर्स के वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग। दुश्मन को कम आंकने की गलती मत करो रे, और याद रखो वो वीर लोग जाके भी मदद मांग सकते हैं। चिल मिस्टर वी, और गेम को एंजॉय कीजिए, और देखते रहिए कि जब मैं वहां जाऊंगा तब क्या होता है। सब्र रे सब्र, तुम अभी भी अपनी असलियत उनके सामने नहीं आने दे सकते। मिस्टर बी, भारत नगर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो एक जिम्मेदार पड़ोसी होने का धर्म तो निभाना होगा ना मुझे। अरे उन्हें क्या पता ये जिम्मेदार पड़ोसी इस समस्या को जिम्मेदार है। राइट, और इसी बात का फायदा उठाऊंगा मैं, एंड वहां जाकर अगर उन बालवीरों का कोई और प्लान भी है तो वो भी पता लगा लूंगा, एंड देन बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी है विवान, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम दोनों ने अभी तक किसी भी लैंडमाइन पर पैर नहीं रखा, इसलिए हम दोनों सबको बचा सकते हैं। अभी भी हमारे पास एक मौका है। लेकिन कैसे भैया, हमें तो उनका एग्जैक्ट प्लान भी नहीं पता है। प्लान नहीं पता विवान, लेकिन हो सकता है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी वो हमें ब्लैकमेल करके
हमसे कोई चीज हासिल करना चाहते हो? अगर ब्लैकमेल का प्लान है उनका तो वो हमारे सामने जरूर आएंगे, उनके डिमांड रखने। क्या कर रहा है? अरे रे रुक, नीचे लैंड मैंने। अरे रे भैया, अरे अरे ये ऐसे कैसे चलता हुआ आ रहा है? अरे हो हेलो एक्सक्यूज मी, हम बच गए। यहाँ कहीं भी लैंड माइंस हो सकती है, तुम जरा देख कर चलो। माइंस? आगे बढ़ने से अच्छा कि तुम जाओ और हमारे लिए मदद लेकर आओ। ये जिस किसी ने भी किया वो यही तो चाहता है कि आप चीखो चिल्लाओ और इसी तरह डर जाओ। एंड आई फील जो डर गया वो मर गया। मर गया? तुम सबको यहाँ पे डरा रहे हो या फिर हिम्मत दे रहे हो? ऑफ कोर्स डरा रहा हूँ। ये लोग डरेंगे तभी तो मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा, और दोनों बालवीर्स भी होंगे इन माय कंट्रोल। खराय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।